तो दोस्तों जवान ने ओवरसीज में जिस तरीके से मार्केट में अपना बज बनाया हुआ है वो आज तक किसी फिल्म का नहीं देखने मिला है। यहाँ तक कि पठान को भी अभी से इस फिल्म ने बीट कर दिया है। तो दोस्तों इंडिया में तो बहुत बड़े बड़े सुपर स्टार्स हैं एंड उनकी अपनी अपनी फैन फॉलोइंग भी है, लेकिन इन सबको अगर मैं कुएं का मेंढक कहूँ दोस्तों तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड पर राज तो केवल अपना SRK करता है। और इसी चीज़ को साबित किया है दोस्तों गगन प्रताप सर ने। उनका एक वीडियो काफी पुराना है जो कि वायरल हो रहा है, आप चाहो तो मैं यहाँ लगा के दिखा सकता हूँ, पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। कर देते हैं शाहरुख खान, पता है मैं कई देशों में घूमा हूँ अलग अलग, लेकिन एक सिंगल आदमी ऐसा है जिसे पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया। वैसे हम कहते हैं कि मोदी जी लोकप्रिय विश्व प्रिय है, अब मोदी जी से भी ज्यादा है, हर किसी से ज्यादा है। पूरे इंडिया की एक पहचान जिसे पूरे विश्व के लोग जानते हैं वो अकेला शाहरुख खान है। हम कितनी भी बुराई करें ये है वो है, ठीक है ना, ये गंजड़ी पंजड़ी पता नहीं लोग क्या क्या कह देते हैं, बट उस आदमी ने भारत का कहीं ना कहीं एक नाम रोशन किया। लोग टॉम क्रूज या ब्रैड पिट को जाने या ना जाने, पर देश के किसी भी कोने में चले जाओ, गरीब अमीर, शाहरुख खान को सब जानते हैं। तो उस चीज की एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए उस आदमी को कि एक सिंगल आदमी ऐसा है भाई, लोग चाहे कुछ भी कहते रहे बट उसको पूरी दुनिया जानती है, 700 करोड़ के 700 करोड़ लोग। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कि गगन सर ने यहाँ क्या कहा है, प्रधानमंत्री से भी ज्यादा अगर कोई पॉपुलर इस देश का बंदा है तो वो शाहरुख खान है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, शाहरुख खान के नाम से दोस्तों आपकी पहचान हो जाएगी। और जब SRK के फैंस इस चीज को लेकर के बात करते हैं, जब शाहरुख खान की तारीफ करते हैं तो हेटर्स को ना जाने क्यों बुरा लग जाता है। तो देखिए सर, शाहरुख खान तो है ही वर्ल्ड फेमस एक्टर, उसकी फिल्में दोस्तों जब ओवरसीज में ऐसा कलेक्शन करते हैं तो यही हमारी देश की जनता बोलती है, जो कि हेटर्स जिन्हें हम कहेंगे अंधभक्त भी कहें तो कोई गलत नहीं है, बोलते हैं कि ये फेक कलेक्शन है। अगर शाहरुख खान वर्ल्ड क्लास लेवल की फिल्म बना देना तो उनकी फिल्म इतना कलेक्शन करेगी जो आज तक हेटर्स ने सोचा भी नहीं होगा। तो शाहरुख खान की फिल्म अगर विदेशों में तगड़ा कलेक्शन करती है तो हेटर्स अगर बोलते हैं कि ये फेक कलेक्शन है तो दोस्तों उनकी नॉलेज क्या है, उन्हें मालूम नहीं है, जाके उनसे पता करो जो विदेश में घूम के आए हैं, शाहरुख खान के नाम का जलवा क्या है उधर। खैर इन सब बातों को हम साइड करते हैं, हम बात करने वाले दोस्तों जवान की। इसने जो ओवरसीज में दोस्तों अपना बज बनाया हुआ है वो देखने के लायक है, वो काबिले तारीफ है। जिस तरीके से जैसे एडवांस बुकिंग ओपन हो रही है दोस्तों टिकट धड़ाधड़ बिक जा रहे हैं, और ऐसा ही दोस्तों इंडिया में भी होने वाला है जैसे इसका ट्रेलर लॉन्च होगा, एंड उसके बाद जैसे इसकी एडवांस बुकिंग ओपन होगी तो आप देख लेना रिकॉर्ड ब्रेकिंग दोस्तों आपको यहां पे एडवांस बुकिंग देखने मिलेगी। पहले वीकेंड पे ऐसा रिकॉर्ड बनाएगी जो कि दूसरे एक्टर्स के लिए सिर्फ ख्वाब बन के रह जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं कि एक पैन इंडिया फिल्म है, साउथ में भी इसका तगड़ा कलेक्शन आने वाला है और नॉर्थ में तो दोस्तों है ही शाहरुख खान का बज बना हुआ। तो टेंशन मत लीजिए, जितने भी SRK फैंस हैं अपनी फिल्म दोस्तों फाड़ने वाली है। गदर 2 बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन इसका बज दोस्तों वहीं समाप्त हो जाएगा जैसे ही जवान का ट्रेलर आ जाएगा। तो दोस्तों जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछ के जा रहा हूँ, क्या लगता है आपको ओवरऑल इंडिया से ये फिल्म कितना कलेक्शन करेगी इस बार, 600 करोड़ या 700 करोड़, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। और अगर आप भी मेरे तरह शाहरुख खान का डाई हार्ट फैन तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।